नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि जो अर्ब्स पाल्सी नामक बीमारी होती है उसमें शुरू के 9 महीने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी बच्चे के इलाज के लिए। अर्ब्स पाल्सी क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, इसका डिस्क्रिप्शन मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको लिंक को क्लिक करके आप अर्ब्स पाल्सी के बारे में जान सकते हैं। शॉर्ट में ये मैं आपको बताना चाहूँगी, अर्ब्स पाल्सी जो है बच्चे के जन्म के टाइम पे होता है और उसमें बच्चे का जो कॉनी और उसका जो कंधा है वो बच्चे का मूवमेंट नहीं होता है, बच्चे की उंगलियां और फिंगर्स तो अच्छी चलती हैं। ये जो कारण है ये जन्म में डिफिकल्ट डिलीवरी की वजह से होता है, बच्चे की जो गर्दन है वो खिंच जाती है, उसके बाद जो बच्चे का जब जन्म होता है तो वो बच्चा एक हाथ को तो इस्तेमाल करता है पर कंधा और कोहनी को लटका के रखता है और ऐसे घुमा के हाथ रखता है, उठाता नहीं है, उठाते ही वो गिरा देगा। तो ये जो कंडीशन है ये चिंता का विषय होता है माँ बाप के लिए, क्योंकि बच्चे का जो है एक हाथ बिल्कुल काम नहीं करता, वो उंगलियां तो चलाता है लेकिन कंधा और कोहनी नहीं काम करता है। इस टाइम पे माँ बाप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें, हमें किसको दिखाएं। जो इसमें जो मुख्यतः अर्ब्स पाल्सी जो है वो 70-80% केस में अपने आप ठीक हो जाती है, तो यही एक गड़बड़ है इसमें कि जो वो 20-30% पेशेंट हैं वो भी ये मानते हैं कि हमारा बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा और वो शुरू के 9 महीने में इलाज नहीं लेते हैं और उसका खामियाजा बच्चे को जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों इसमें आप एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, तो जब भी आपके बच्चे का अर्ब्स पाल्सी है और वो कंधा और कोहनी को नहीं उठा पाता है तो आप हमेशा स्पेशलिस्ट की राय जरूर लें, चाहे वो अपने आप भी ठीक होने वाला है तब भी आप अपने स्पेशलिस्ट से जरूर मिला। अच्छा, इसमें स्पेशलिस्ट कौन है जिनसे आपको राय लेनी चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले अगर आप बड़े शहर में रह रहे हैं और आपके पास ब्रेकियल प्लेक्सस सर्जन है जो कि अर्ब्स पाल्सी के स्पेशलिस्ट होते हैं तो आप उनको दिखाएं। दूसरी चीज, आप बच्चों के हड्डियों के डॉक्टरों से संपर्क कर सकते हैं, वो इस बीमारी के बारे में काफी अच्छा नॉलेज रखते हैं तो आप उनको दिखाएं। तीसरा, आप हैंड और माइक्रोवास्कुलर सर्जन जो होते हैं, हाथ एवं अपने जो हाथ के जो स्पेशलिस्ट हैं या माइक्रोवास्कुलर सर्जन, उनको दिखाएं। इन 3-4 डॉक्टरों को दिखाने में आपको ये पता लगेगा कि आपके बच्चे की बीमारी किस गंभीर स्थिति में है, क्या वो अपने आप ठीक हो सकती है। वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, हर मसल और नर्व की टेस्टिंग करते हैं, जरूरत पड़ने पे एमआरआई करते हैं गर्दन की, ये देखने के लिए कि बच्चे में जो अर्ब्स पाल्सी है उसका नुकसान किस हद तक का है, और फिर वो हर महीने बच्चे को असेस करते हैं। तो ये जब चीजें आप करते हैं तो आपको 3rd-4th महीने ये पता लग जाता है कि इसमें कोई रिकवरी आ रही है या नहीं आ रही है। यदि रिकवरी नहीं आ रही है तो उस केसेस पे आप अर्जेंटली ब्रेकियल प्लेक्सस सर्जरी यानी अर्ब्स पाल्सी की जो सर्जरी है उसको कर सकते हैं, जिसमें नर्व रिपेयर या फिर नर्व ग्राफ्ट करना पड़ता है। और वो जो है सर्जरी, वो बार बार मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि शुरू के 9 महीने या मैक्सिमम 12 मंथ्स तक ही इफेक्टिव है। तो वो जो 9 महीने जो है शुरू के, वो बच्चे के जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमारे पास बच्चे कई बार 2-2.5 साल पे आते हैं, जब तक वो नर्व रिपेयर वाला फेज खत्म हो चुका होता है तब बच्चे में हमारे पास करने के जो ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं और कभी भी वो 100% नेचुरल रिकवरी नहीं आ पाती बच्चे में जो उस टाइम पर अगर सर्जरी करवा लेते तो आती। तो दोस्तों मैं आपको इसलिए बार बार समझा रहा हूँ कि ज़्यादातर केसेस में आपको डॉक्टर्स बोलेंगे आप एक्सरसाइज कराते रहो अपने आप ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं है। रिकवरी आती है, एक्सरसाइज इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 80-90% केसेस में इन्हीं से ठीक हो जाता है, पर जो 10% आप उन 10% में से हो सकते हो और आपको न हो उसके लिए आप हमेशा, जब भी अर्ब्स पाल्सी की बीमारी होती है आप हमेशा स्पेशलिस्ट से एक बार कंसल्ट कर लें। अगर वो कहते हैं आपसे कि एक्सरसाइज कराएं तो ही आप उसको कंटिन्यू करें, और यदि वो आपको सर्जरी का एडवाइस करते हैं तो वो कोई इसके पीछे कोई स्पेशल रीज़न है और आप उस सर्जरी से न डरें, उस सर्जरी को एक्सपर्ट के द्वारा कराएं, उससे आप देखेंगे कि जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो शुरू के 9 महीने आप अर्ब्स पाल्सी यदि आपके बच्चे को है और आप गूगल पे ये सब सर्च कर रहे हैं तो मेरा इस वीडियो में आपका जो ये मैसेज है कि शुरू के जो 9 महीने हैं उसको आप मिस न होने दें, उसमें आप बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को दिखाएं और बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट लें तो आपको जो लॉन्ग टर्म आउटकम है अर्ब्स पाल्सी का वो बहुत अच्छा आएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, मैं हूँ डॉक्टर रजत मालोत और मैं इसी बीमारियों का स्पेशलिस्ट हूँ, मेरा खुद का हॉस्पिटल है मालोत हॉस्पिटल जयपुर में, और आप हमसे इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं, आके कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपको सही राय देंगे और सही इलाज की तरफ आपको गाइड करेंगे। धन्यवाद।